जल्दी से हम लोग रात के लिए चले, इससे रात वेट कर। तो रस्म में मेहंदी तो अदा हो चुकी है ना, और अब हम सारे के सारे शिराज की बारात। आजा आजा शिराज की बारात लेकर आते, आजा 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 शिराज की बारात लेकर आते। दुल्हन तुम नहीं आ सकती, सारा को तो कोई हाल नहीं है, बारात लाने के लिए खुद भी उठ रही है। सारा इतनी तौबा, कोई हाल नहीं है इसका। बेटा तुम्हारी खाला आज भी उतनी खूबसूरत है जितनी मैं छोड़ कर गया था। अंकल आप अभी अपने जज्बात को दबा के रखिए, मेरे रंग में भंग ना डालिए। और वैसे टीना आंटी जैसे पहले मुस्कुराती थी ना, अब वो वैसी नहीं रही, अब वो टीना आंटी से ताहिरा मैडम बन चुकी हैं। नहीं, अब मैं आ गया हूँ। तुमसे बढ़कर दुनिया में न देखा कोई, और जुबान पर आज दिल की बात आ गई। तुमसे बढ़कर दुनिया में न देखा कोई, और जुबान पर आज दिल की बात आ गई। तुम्हारी मामा और बाकी लोग तो गए हैं उनके साथ, भाई किसी एक आध आदमी को तो यहाँ पर रहना चाहिए ना, दुल्हन के साथ पास भी। तो आप उनके साथ तशरीफ ले आए ना। अरे बेटा बारात आती है, उसके साथ मैं भी उनको रिसीव कर लूँगा। ओके जैसे आप कहें। ये जो दूल्हा मियाँ है ये ऐसे एंट्री नहीं कर सकते। घर का भर दूँ मैं, घर का भर दूँ, घर का भर दाल बराबर। अच्छा दाल घर का भर दूँ मुर्गी नहीं कहता, घर का भर दूँ मुर्गी नहीं। अच्छा ठीक है, ये घर के फायदा ना, तो हम ऐसा कहते हैं चलो 50,000 ले। 50,000 नहीं सनिया, क्या हो गया, इनसे हमने 10,00,000 रुपए लिए थे। सनिया ये मेरा राजा बेटा है भाभी, मैं तो 1,00,000 रुपया
मम्मी जी एक लाख से तो कुछ भी नहीं होने वाला, ना हम शॉपिंग पे जा सकेंगे ना दुबई शॉपिंग के लिए जा सकेंगे। भाई ये शॉपिंग कभी खत्म होनी नहीं। ये प्लीज मुझे जाने दे, मैं तो अभी तक अपने हनीमून पे भी नहीं गई हूँ। मैं भी जाऊंगी ना भाभी के साथ। चुप करो, मेरा इंतजाम करो। बहुत तेज हो गई हूँ। देख लो तुम दूसरी शादी। अच्छा मम्मी जी 2 लाख कर दे, 1 लाख में 10,000 मेरा। हाँ हाँ, हम तुम्हें कमीशन देंगे ना। 5 लाख काफी है। बैठ सकते हो, मगर पहले चमचम खेलो। चलो चम 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 हम रेल। मम्मी जी इसको बेटा ही है। ओके लवली, सब शैतान हो गए। जी जी तो गर्ल। अच्छा इस मौके पर मैं एक छोटा सा मेरी तरफ से भी एक है प्रेजेंट। क्या? दुल्हा और दुल्हन को मेरी तरफ से हनीमून के लिए एक प्रेजेंट है, और वो भी कैलिफोर्निया में 10 दिन का। 10 दिन का कैलिफोर्निया में आप इनका हनीमून करा के दे रहे हैं? जी हाँ अंकल जी, वाह आपने तो सिक्स मार दिया। बहुत गलत बात है वैसे, आपको हमारी शादी में भी आना चाहिए। अरे भाई इनको हनीमून मिला, हमें भी तो मिला। हमारी जैसी सिचुएशन चल रही थी ना, अगर हमें हनीमून का पैकेज भी मिल जाता ना, तब भी हम नहीं जा सकते थे। वैसे अगर आप कोर्ट मैरिज ना करते तो ये आपकी शादी पर भी होता। क्यों मां, मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ, ऐसी बातें नहीं सुन सकती। अच्छा ये हो सकता है कि मैं मतलब हिना फिजा फिजा और तारिक को भी भेजा जा सकता है। मगर हिना कौन थी इसकी, हिना किसके साथ भेज रहे थे आप? और इसके लिए क्योंकि इनके भी 4 माह हुए हैं, शादी को भी कोई इतनी देर भी नहीं हुई जी, तो इनको भिजवा देंगे इसके बाद हम। लेकिन मैंने तो सुना कि इस घर में हनीमून में जाने का कोई रिवाज नहीं है, क्यों मामी जी? तुम बाज नहीं आ सकते मामी जी? अगर आप भी कभी हनीमून पे गई होती ना तो आपको पता होता कितनी एक्साइटमेंट होती। और आप तो अंकल आपको तो नसीब ही नहीं हुआ, मगर खैर आपको शायद खुद एक्सपीरियंस नहीं हुआ कि आप घूमे फिरे मुल्क से बाहर जाए, शादी के बाद एक अच्छी एक लाइफ गुजारे, तो वो इस वजह से आप चाहते हैं सारे बच्चे जो हैं वो अपनी लाइफ को बहुत खुशहाल तरीके से एंटरटेन करके अपने आप को गुजारे, है ना? हाँ। I can understand you totally, but anyway, हाँ थोड़ा सा सिचुएशन अजीब सी हो रही है। सनिया और हम्माद अब तुम भी तो बताओ, खुशी का इजहार करो, हमने भी तो बहुत किया है। चलो जी आ जाओ मैदान में, और जरा डांस होना चाहिए, आ जाओ मैदान में। हम्माद साहब देखा तुमको जब से, बस देखा तुमको यारा, देखा तुमको जब से, बस देखा तुमको यारा, तुमसे कोई अच्छा है ना, तुमसे कोई प्यारा, यूं नजरें ना फेरो तुम, मेरे हो मेरे तुम, कह दो ना, यू आर माय सोनिया, कह दो ना, यू आर माय सोनिया। जब से बस